द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन खड्डा के अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी खड्डा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोई भी मुकदमे को इतना ज्यादा लंबा कर दिया जा रहा है कि फरियादी हमारे ऊपर सवाल उठाने लगे हैं, जबकि शासन की मंशा है कि जल्द से जल्द मुकदमे का निस्तारण किया जाए, लेकिन उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी खड्डा से संपर्क करने पर बताएं कि अधिवक्ता बंधु अपनी समस्याओं को सामने रखे तो जरूर निस्तारण होगा। अधिवक्ताओं ने अपनी कुछ मांगों को पूरा करने की बात रखी थी, जिसे नियमानुसार पूरा किया जा चुका है। इस समय जो तानाशाही रवैया है, जो मनमानेपन पे उतर आए एसडीएम साहब, एकदम बेवजह कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता एकदम परेशान है, तराई तराई मचा हुआ है पूरे तहसील प्रशासन। एक भी दाखिला पे दस्तखत नहीं कर रहा, 3-3 महीने का दाखिला पड़ा हुआ है, कोई किसी दाखिले पे दस्तखत नहीं कर रहा है, ना एक भी पत्रावली नहीं मिल रहा है। कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई मौकिल चाहे कोई वकील न फाइल पा रहा है, न कोई सम्मन जारी हो रहा है, समय से 4-4, 5-5 महीने का सम्मन सब कोर्ट में दबाया गया है, एक भी पत्रावली में आदेश नहीं आ रहा है, बहस में जाती है पत्रावली। 2-3 महीने तक अपने पास रख रहे हैं, उसके बाद फिर रिवर्ट करके फिर उसमें तारीख लगा रहा है। अधिवक्ता हड़ताल पर है और कोर्ट चलाया जा रहा है। आप सभी को द्वारा पहले सूचना दी गई थी, कई बार बेंच की बैठक 10 बार हो चुकी, लेकिन बार बार वो कहते हैं सब हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सुधार करेंगे हम सब, उनके कृत्यों से सभी अधिवक्ता बंधु जिंदाबाद मुर्दाबाद करने को उतारू। महीने से खेल चल रहा है जब से आया, और काफी फाइलों को जो है खारिज भी किया जाएगा। जो कमी थी एसडीएम साहब के और ऑफिस के अंदर, पहला कमी तो यह था कि फरियादी आते हैं और बड़ी न्याय की मंशा से अपने वाद को दाखिल करते हैं, 3-3 महीने तक दाखिला पे दस्तखत नहीं करते थे, न किए हैं और न उसको नेट पर दर्ज कराए हैं। यदि 3 महीने तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि त्वरित न्याय हो, 24 की पत्रावली त्वरित निस्तारण हो। 1-24 की पत्रावली जब जाती है कच्ची पैमाइश में, प्रथम रिपोर्ट में, तो कम से कम 6 महीना लग जाता है फरियादी को लेखपाल और कानगो के पीछे दौड़ने में, और 6 महीना बाद जब लेखपाल कानगो वह रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसको 1 मिनट के अंदर बैक कर दे रहे हैं। फिर वह व्यक्ति अपने न्याय को लेकर घूम रहा है, पत्रावली कहीं दर्ज नहीं हो रहा है। शासन की मंशा है कि निस्तारण त्वरित हो, निस्तारण के पीछे एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। पत्रावली को अदम पैरवी में खारिज करके कंप्यूटर पोर्टल पर यह शो कर दिया जा रहा है कि वो निस्तारित हो गया, और हम लोग ये मंशा है कि जो भी पत्रावली है उसको सुनकर मेरिट पर शीघ्र निस्तारण हो, ताकि जो न्याय जिसको पाना है वो उसको न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, और इनके खिलाफ डीएम से और सीएम के कैंप कार्यालय में भी मिलेंगे। और हमारी मांग यह है कि कोई भी पत्रावली जो है वो अदम पैरवी में खारिज न हो, क्योंकि पैरवी करने के लिए हम लोग बैठे हैं, कोर्ट चलाया जाए, पुकार हो, पुकार में जो नहीं उपस्थित हो रहा है उसकी पत्रावली को खारिज किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो भी रिपोर्ट आ रही है रिपोर्ट में हस्ताक्षर हो और रिपोर्ट को पुष्ट करते हुए न्याय दिलाने का अति शीघ्र काम किया जाए, न्याय का एक ड्रामा न किया जाए, न्याय दिखाया न जाए, अदम पैरवी की कोई आदर नहीं होता है। कुछ अधिवक्ता अभी न्यायालय में है, कोई अधिवक्ता नहीं है इस समय न्यायालय में, कोई अधिवक्ता नहीं है, सभी लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं, सारे अधिवक्ता एकत्रित हैं, इकट्ठा है, सब एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी भी अभी किए हैं, आप लोगों ने देखा भी है, और सारे अधिवक्ता जनता के लिए पब्लिक के लिए संगठित है कि पब्लिक को त्वरित न्याय मिले, रोज कोर्ट चलाएं, रोज तारीख लगाएं, लेकिन न्याय तो दें। एक एक पत्रावली 3-3 बार बहस सुने दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों से लिखित बहस लिए, और 14 दिन बाद 20 दिन बाद 21 दिन बाद यह पता चलता है कि पुनः वह पत्रावली पुनः पेशी में आ गई। अभी एक मैटर है, उसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन हुआ कि 6 हफ्ता में इसको निस्तारण कीजिए, 1.5 साल में नहीं हुआ, 1.5 साल बाद वो पुनः वह क्लाइंट गया हाई कोर्ट, कंटेम्प्ट किया, फिर भी उसका मामला निस्तारित नहीं हो रहा है। अब कंटेम्प्ट का डेट बीतेगा, जब एकदम हाई कोर्ट इनको जब तक तलब नहीं करेगी तब तक ये ऑर्डर नहीं करेंगे, तो हर एक गरीब व्यक्ति हाई कोर्ट में जा नहीं सकता है, हाई कोर्ट में रिट दाखिल नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट में हमेशा जाकर कंटेम्प्ट नहीं कर सकता है,
तो न्याय इतना महंगा बना दिए हैं। शासन की मंशा है सरल न्याय, सुलभ न्याय, और इतना महंगा न्याय हो जा रहा है और इतना समय लग रहा है कि हमको लग रहा है पिता दाखिल करेगा तो उसके मृत्यु के बाद पुत्र को न्याय मिलेगा अगर यही प्रणाली चलती रही तो जो है उसमें दाखिला पर दस्तखत हो और नेट पर दर्ज हो, मिसिल बंद रजिस्टर हो जिसमें पता चले कि हमने कौन सा मुकदमा दाखिल किया है, जो पत्रावली सुन रहे हैं उसमें आदेश पारित हो, न्याय के पक्ष में पारित हो और जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं उनको पुष्ट किया जाए। यही हमारी मंशा है कि पब्लिक को न्याय मिले। आज तक एसडीएम कार्यालय में एक मिसिल बंद रजिस्टर नहीं है। मिसिल बंद का मतलब कि जो वाद आते हैं उसको उस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिससे पता चलता है कि हमने आज दाखिल किया। यहाँ पर पता नहीं है, बाद में फाइल ढूंढवाने जाते हैं फाइल मिलता ही नहीं है, क्लाइंट आता है हैरान होता है परेशान होता है, एक एक महीना में नक्शा ले आता है, ट्रेजरी जमा करता है, पता चलता है उसका फाइल गायब है। तो जब ऐसे उलझने होंगी तो क्लाइंट तो सीधे वकील को दोषी मानता है, क्लाइंट सीधे वकील को दोषी मानता है, तो जब वकील दोषी सिद्ध होगा अपने आप को दोषी जब समझेगा तो वह अधिकारी से लड़ेगा कि आपके कृत्य के चलते हमको वकील दोषी समझ रहा है। इसलिए जब तक इनकी प्रणाली में सुधार नहीं होगा, ये लोगों को न्याय का रास्ता आसान नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे अगर इनके सुधार नहीं होगा तो इनके ट्रांसफर तक लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।